तो मल्लिकार्जुन खड़गे को आपने सुना है, जिन्होंने फिर यही मांग उठाई कि जेपीसी का गठन किया जाए और देश का पैसा एक ही उद्योगपति को दे दिया गया। वही आरोप जो लगातार विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं। देश आज हनुमान जयंती के जश्न में डूबा हुआ है और कड़े सुरक्षा इंतजाम के बीच सड़कों पर शोभा यात्रा निकल रही है। सबसे पहले हम आपको दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके की तस्वीर दिखाते हैं। हनुमान भक्तों ने बड़ी धूमधाम से जुलूस निकाला है। पिछले साल यहीं पर हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के दौरान हिंसा हुई थी, इसीलिए इस बार बेहद सख्त सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। वहीं जहांगीरपुरी इलाके की कई कॉलोनियों के गेट पर ताले लगा दिए गए ताकि कोई उपद्रवी कॉलोनी में घुसकर उत्पात ना मचा पाए। इसके अलावा दोनों तरफ से बैरिकेडिंग्स की गई हैं। 200 मीटर एरिया ही पुलिस की तरफ से अलॉट किया गया है, जिसके भीतर ही ये शोभा यात्रा निकाली होगी। सीधा अपडेट के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी अभय पराशर, जहांगीरपुरी से जुड़ चुके हैं। अभय, चूंकि 200 मीटर के लिए ही सिर्फ परमिशन मिली है, फिलहाल वहां पर किस तरह का माहौल और किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था? देखिए, बिल्कुल जहांगीरपुरी के एच ब्लॉक से सीधा हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। असल में यहां पर लोग करीब 14 साल से शोभा यात्रा निकालते हैं। ये तस्वीरें हैं पीछे, और ये जो शोभा यात्रा यहां पर निकाली जाती है, ये यहां पर हिंदू वाहिनी संगठन जो है वो यहां से शोभा यात्रा निकालता है। असल में 14 साल से ये लोग शोभा यात्रा पूरे जहांगीरपुरी में करीब 4 किलोमीटर की यात्रा निकालते हैं। लेकिन जिस तरीके से देखा गया, पिछले साल जहांगीरपुरी के अंदर हिंसा हुई, पथराव हुआ, माहौल खराब हुआ, इस वजह से पुलिस ने इन्हें परमिशन जो है वो सिर्फ 200 मीटर की परमिशन दी। और 200 मीटर की परमिशन की वजह से अब ये लोग शोभा यात्रा के दौरान पुलिस का विरोध कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि 200 मीटर बहुत कम होता है, इसी वजह से ये लोग एच ब्लॉक के इसी इलाके में रुक गए हैं। और सामने जो आप एक बैनर देख रहे हैं, उस बैनर पर इन लोगों ने लिखा है कि दिल्ली पुलिस द्वारा हनुमान जयंती की यात्राओं पर रोक लगाने का विरोध ये लोग यहां पर कर रहे हैं। यहां के जो अध्यक्ष हैं उनसे भी हम आपकी बात कराएंगे, उनसे भी समझेंगे, लेकिन यहां पर किस तरह की व्यवस्था है वो तस्वीरें मैं एक बार आपको यहां से दिखाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि ये जो इलाका था जहांगीरपुरी का, यहां पर एक साल पहले जो हिंसा हुई थी उस वजह से कई महीनों तक तनाव रहा था। इस बार ऐसा कुछ ना हो, छतों पर आप देख सकते हैं पुलिस की तैनाती एक एक छत पर यहां पर हो रखी है। करीब 2-2 पुलिसकर्मी जो है वो हर एक घर की छत पर इस वक्त तैनात नजर आ रहे हैं ताकि नजर रख सके। ड्रोन कैमरा जो है उससे भी यहां पर नजर रखी जा रही है। और क्योंकि यहां पर दो यात्राएं निकलनी है, असल में पहली यात्रा यही यात्रा निकलनी थी 11 बजे एच ब्लॉक में, जिसका अब ये लोग एक ही जगह पर खड़े होकर विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि इन्हें यात्रा नहीं निकालने दी जा रही है, इसलिए ये लोग यहां पर विरोध कर रहे हैं। और अगर हम बात करें, दूसरी यात्रा जो है वो 2 बजे यहां से यात्रा निकाली जाएगी और 2 बजे विश्व हिंदू परिषद की तरफ से यात्रा निकाली जाएगी। फिलहाल इस तरीके के बैनर पोस्टर के साथ ये लोग विरोध कर रहे हैं एक ही जगह पर एच ब्लॉक में। यहां पर लोगों से हम बात भी करेंगे। आप लोग यहीं पर खड़े होकर अब विरोध कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी जी। पाकिस्तान यात्रा आप लोगों को कहां तक परमिशन दी? हमें कोई परमिशन नहीं दी गई है। ठीक है जी, हमें कोई ये बताइए, देखिए हमारे साथ अध्यक्ष हैं, आप हिंदू वाहिनी के यहाँ के अध्यक्ष हैं, इलाके दिल्ली के। ये बताइए कि आज आप लोगों को शोभा यात्रा कहाँ तक निकालनी थी, पुलिस से क्या बातचीत हुई? देखिए, मैंने 17 फरवरी को, मैं 14 वर्षों से ये यात्रा निकालता रहा हूँ और आज तक एक भी घटना मेरी यात्रा में नहीं हुई है। 17 फरवरी को मैंने इस यात्रा के लिए आवेदन दिया था पुलिस को, 18 मार्च को मैंने रिमाइंडर दिया, लेकिन पुलिस ने मेरे को 4 अप्रैल की रात में लगभग 10 बजे के आसपास पुलिस ने मुझे एक रिफ्यूजल का लेटर दिया मेरे घर ला करके, और यात्रा की अनुमति नहीं दी। कल डीसीपी से जो बात हुई तो डीसीपी साहब ने केवल इतना बताया है कि आप अपने एक स्थान पर कार्यक्रम करेंगे, कोई लिखित अनुमति हमें 200 मीटर 50 मीटर 100 मीटर की कोई नहीं मिली। अब लोग आप यहां से थोड़ी बहुत यात्रा निकालेंगे या अब आगे क्या कार्यक्रम है आप? हम इसी स्थान पर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करेंगे और हम समाज को मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये बता रहे हैं कि दिल्ली में दिल्ली पुलिस ने दिल्ली को कश्मीर बना दिया हिंदुओं के लिए, और मुसलमानों के दबाव में पुलिस हमारे को यात्रा निकालने नहीं दे रही है। देखिए, एक विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। एक बार मैं आपको यहाँ के पीछे की भी आपको तस्वीरें दिखा दूं। असल में एक टेम्पू यहाँ पर रखा हुआ था जिसके अंदर डीजे यहाँ पर लगाया गया है, और इन लोगों को अपने पुराने रूट पर घूमना था, लेकिन क्योंकि एक साल पहले जिस तरह की हिंसा इस पूरे इलाके के अंदर देखने को मिली, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए जगह जगह इस तरीके से पूरे जहांगीरपुरी को पैक कर दिया गया है। ये एच ब्लॉक की तस्वीरें हैं, बैरिकेड्स यहां पर लगाए गए हैं, आगे पुलिस की एक गाड़ी जो है वो खड़ी कर दी गई है ताकि चारों तरफ से नजर रखी जा सके। अभी एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगी, असल में जहां पर मैं मौजूद हूं एच ब्लॉक है।
अभी एक चीज समझना चाहूंगी, क्योंकि पिछली बार भी हम लोगों ने इसका कवरेज किया था, तब हमने देखा था कि जो आरोप लग रहे थे, ये कहा जा रहा था कि मस्जिद के बाहर ही वहां पर पथराव हुआ, उसके बाद वहीं पर सब पूरा बवाल हुआ, फिर हमने देखा डिमोलिशन की कार्रवाई भी वहां पर हुई। जिस जगह पर इस वक्त ये यात्रा शोभा यात्रा है वो मस्जिद से कितना दूरी पर है, मस्जिद के आसपास क्या इंतजाम किए गए हैं उसके बारे में भी जरा जानकारी दीजिए, कितना मीटर का डिस्टेंस पर इस वक्त ये शोभा यात्रा है। देखिए बिल्कुल गौनिका, पिछले साल जहां पर हमने ये कवरेज की थी उससे हम करीब 200 मीटर की दूरी पर हैं। मैं आपको पूरा इलाके की तस्वीर एक बार समझाने की कोशिश करता हूं। ये एच ब्लॉक है, एच ब्लॉक में हिंदू वाहिनी संगठन की यहां पर शोभा यात्रा निकलनी थी जिसकी परमिशन नहीं दी गई, अब ये लोग विरोध कर रहे हैं। अब मैं आपको आगे की तरफ एक बार लेकर चलूंगा। असल में पिछली बार जो केंद्र था वो था कुशल चौक, कुशल चौक जो था वहां पर पथराव हुआ था, विरोध प्रदर्शन हुआ था। अब हम एच ब्लॉक को क्रॉस करके जहां इस वक्त मैं आगे की तरफ जा रहा हूं, यहां पर यहां से करीब 200 मीटर आगे एक चौराहा है, और उस चौराहे को जब आप क्रॉस करेंगे, चौराहे को क्रॉस करने के बाद आगे राइट साइड में जाकर वो कुशल चौक आता है गौनिका, जहां पर हम लोग पिछले साल करीब 15-20 दिन हम लोग लगातार यहां पर आते रहे थे। अब ये जो आपको मैं तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, एच ब्लॉक से सामने की तरफ मेरे सहयोगी जूम करके दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए पहले तो ड्रोन से यहां पर नजर रखी जा रही है, ड्रोन कैमरे यहां पर इस वक्त उड़ाए जा रहे हैं ताकि चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा सके, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि छतों पर किस तरीके से पत्थर रखे हुए थे और कांच की बोतलों से हमला हुआ था। अब जहां तक इलाके की बात है गौरिका, सामने की तरफ वो बैरिगेट है और उस बैरिगेट के आगे राइट हैंड पर जाकर वही कुशल चौक आ जाएगा, वही मस्जिद आ जाएगी जहां पर पिछले साल शोभा यात्रा निकली थी और वहां पर विरोध प्रदर्शन जो हुआ था। 2 बजे का समय है, उसी चौक पर 2 बजे विश्व हिंदू परिषद वहां पर एक शोभा यात्रा निकालने की प्लानिंग कर रहा है। हालांकि उन्हें भी लिमिटेड इलाके के अंदर ही यात्रा निकालने की परमिशन है, लेकिन जो विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, जो दिल्ली बीजेपी के लोग हैं, वो लगातार ये बात कर रहे हैं कि वो अपनी शोभा यात्रा निकालेंगे। और उस चौक पर, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि कई महीनों तक तनाव रहा था, जो हिंसा वहां पर हुई थी, तो हम 2 बजे के आसपास वहां की भी हम आपको तस्वीर एक बार दिखाएंगे। उस इलाके में भी चप्पे चप्पे पर पुलिस बैरिकेटिंग कर दी गई है, क्योंकि कई हिंदू नेताओं के आने की यहां पर आशंका जो है वो बताई जा रही है, कपिल मिश्रा के पहुंचने की बात यहां पर कही जा रही है। इसलिए कुशल चौक और जहां पर वो मस्जिद है जहां पर पिछले साल बवाल हुआ था, वहां पर जगह जगह डबल बैरिकेटिंग करके ताले लगा दिए गए हैं। उन गलियों में ताले लगा दिए गए हैं जिन गलियों में से पिछली बार कुछ उपद्रवियों को पकड़ा गया था, गिरफ्तार किया गया था, जहां से पिछले साल पथराव हुआ था। तो 2 शोभा यात्रा की प्लानिंग हुई थी। पहली शोभा यात्रा वो जहां पर मैं मौजूद हूं, जो कि हिंदू वाहिनी संगठन, यहां से पीछे की तरफ मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, जो अब विरोध कर रहे हैं एक ही जगह पर खड़े होकर, क्योंकि उन्हें आगे जाने की परमिशन नहीं है। और पुलिस की डिप्लॉयमेंट अगर आप देखेंगे तो न केवल लोकल पुलिस, दिल्ली पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस पूरे जहांगीरपुरी इलाके के अंदर डिप्लॉय कर दी गई है, ताकि पिछले साल की तरह कोई भी घटना ना हो। और 2 बजे जो है वो दूसरी जो मेन शोभा यात्रा है, जो विश्व हिंदू परिषद की तरफ से निकाली जानी है, वो शोभा यात्रा निकाली जाएगी उसी कुशल चौक के पास से, और वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम है। पुलिस ने ये साफ कर दिया है कि लंबी यात्रा जो है वो नहीं निकालने दी जाएगी, एक ही इलाके में कुछ दूर पर यात्रा निकालने दी जाएगी, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त काफी कड़ी कर दी गई है। एक एक छत पर इस तरीके से पुलिसकर्मी जो है वो तैनात हैं, जो ऊपर से भी नजर इस वक्त रख रहे हैं। ड्रोन कैमरे को यहां पर उड़ाया जा रहा है और जितनी भी जहांगीरपुरी की गलियां हैं, चाहे वो एच ब्लॉक हो या फिर वो कुशल चौक का इलाका हो जहां पर पिछले साल हिंसा हुई थी, इस बार पहले से इतनी तैयारी है। असल में गौनिका, जो चौराहा था जहां पर ये दंगा हुआ था, उस चौराहे पर कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद, एक परमानेंट पुलिस बूथ बना दिया गया था, और एक साल के अंदर वहां पर लगातार पुलिस ने अपनी पेट्रोलिंग काफी ज्यादा बढ़ा दी थी। इस इलाके से कुछ गिरफ्तारियां भी हुई थी, तो इस बार तैयारी पुलिस की तरफ से बहुत ज्यादा है। लेकिन हिंदू संगठन के लोग कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि वो करीब 14-15 सालों से यात्राएं इन इलाकों में निकाल रहे हैं और अब इस पर पाबंदी पिछले साल की घटना की वजह से क्यों लगाई जा रही है, ये नाराजगी यहां पर देखने को लगातार मिल रही है। जी लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। भाई इस बार पुलिस कोई भी चूक नहीं करना चाहती, इसीलिए पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त पुलिस हमें नजर आ रही है, जिस तरीके से वहां ड्रोन लगातार चलाए जा रहे हैं, निगरानी ड्रोन के जरिए भी की जा रही है, माहौल भी दिखाती रही है। साथ ही ये भी बताइएगा, चूंकि जैसा भी आपने वहां हिंदू वाहिनी के अध्यक्ष से बात की, वो साफ बता रहे हैं कि हमें पुलिस की ओर से इजाजत नहीं दी गई, क्या पुलिस को पहले से कोई खुफिया अलर्ट है कि कोई दंगा हो सकता है, कोई जानकारी पुलिस के पास पहले से?
देखिए बिल्कुल तस्वीरें सबसे पहले मैं आपको यहाँ की चप्पे चप्पे की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर लोग जो हैं वो सड़कों पर खड़े हुए हैं, लोग बाहर आके इलाके की महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर खड़ी हुई हैं। सबके मन में यही सवाल है कि आखिरकार यात्रा जो है वो क्यों नहीं निकालने दी जा रही है। कुछ महिलाएं हैं उनसे एक बार यहाँ पर बात कर लेंगे। क्या नाम है आपका? रमा। यात्रा जो यहाँ कितने साल से निकल रही है यहाँ पर? ये कई साल हो गए निकलते हुए, अगली साल भी निकली थी, इस साल अब नहीं निकालने दी जा रही है। कोई वजह बता रहे हैं क्यों नहीं निकालने दी जा रही है? दंगे की वजह से बेटा, सब लोग डरे हुए हैं। बहुत अच्छी बात है नहीं निकालने दे रहे, कोई बुराई नहीं है इसमें, कोई बुराई नहीं है नहीं निकालने दे रहे, अच्छी बात है ना। एक साल के अंदर जो पिछले साल दंगा हुआ था, अब एक साल में कुछ बदलाव आया, माहौल कैसा है, कुछ बदलाव हुआ है? बदलाव बहुत है बेटा, बहुत है, पुलिस की भी बहुत मदद है, बदलाव बहुत अच्छा है, बहुत फर्क पड़ा पब्लिक के अंदर। आई समझ में, जरूरी है हम सिर फोड़ के मर गए सब कुछ हासिल करेंगे, प्यार से भी कर सकते हैं, हर कुछ प्यार से भी ले सकते हैं। पुलिस की इस बार हम देख रहे हैं कि बंदोबस्त बहुत ज्यादा है, छतों पर बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, और इनको साफ़ी देनी चाहिए बेटा, ये हो जाता ना तो बहुत ही अच्छा। आपका क्या नाम है? मेरा फरदाना। ये बताइए कि पिछले साल हमने देखा कि काफी ज्यादा तनाव हो गया था, इस साल पुलिस की डिप्लॉयमेंट ज्यादा है, अब आप लोगों को लगता है कि इस साल इलाका ठीक है या एक साल में बदलाव? नहीं, बहुत बदलाव आया है सर इस टाइम, लेकिन हमारे त्योहार नहीं मनाने देते ढंग से, हमारे त्योहार नहीं मनाने देते ढंग से, जैसे मुहर्रम है और त्योहार है वो ढंग से नहीं मनाने देते। दोनों ही त्योहार, चाहे वो हिंदुओं के हो चाहे मुस्लिम, मिलाओ बनाओ दोनों मनाओ, लेकिन ढंग से सबके मनाने दो बस त्योहार। देखिए लोग यहाँ पर ये बात करें कि त्योहार ढंग से नहीं मना पाते, ये बताइए आपका क्या नाम? रचना। इस साल शोभा यात्रा जो है वो पिछले साल जो बवाल हुआ था हम देख रहे हैं, पुलिस बहुत ज्यादा है, आप लोग कुछ कहना चाहते हैं अब पुलिस को या अपने त्योहारों को लेकर? नहीं, कुछ नहीं कहना चाहते, पुलिस भी है तो अपनी सेफ्टी के लिए है ना, हम लोगों की सेफ्टी है इसमें, हमारे भी घर के बंदे हैं, ऐसे कोई बात नहीं है, मुसलमान अपना काम कर रहे हैं, हिंदू अपना काम त्योहार मना रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें अच्छा व्यवस्था एक साल में बड़ी है इलाके में, बड़ी है, बड़ी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत बहुत अच्छा है, अच्छी है सुविधा, और अच्छी बात है, सुविधा हो रही है, कोई गलत नहीं है, सबके लिए, हिंदू के लिए भी होना चाहिए, मोमडन के लिए भी होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए, सबको मिलके त्योहार मनाना चाहिए, किसी को मतलब ये नहीं कि लड़ाई करना चाहिए, मिलके त्योहार मनाओ अपना अपना त्योहार। बुजुर्ग हैं इस इलाके में, यही बुढ़िया यू बेटा, उन युवाओं को उन बच्चों को कुछ कहना चाहते हैं जो आपस में भिड़ जाते हैं जैसा पिछले साल? मिलते ही नहीं ऐसे लोग, तो मिलते ही नहीं बेटा, हमारे यहाँ तो कोई झगड़ा नहीं करता, मेरे यहाँ कोई झगड़ा, हमारी गली में कोई झगड़ा नहीं करता, हिंदू मुसलमान सब रहते हैं मिलके, बड़े प्यार से रहते हैं, सारे हिंदू मुसलमान चले जाते हैं, लड़ाई करने वाले वाले दूसरे हैं, हम तुम नहीं लड़ते, लड़वाने वाले दूसरे हैं, बंदे अलग होते हैं, और हमारी गली का तो माहौल बहुत ही अच्छा बेटा। हाँ, इलाके हम मोमडन के बीच में ही हैं, मोमडन हम हिंदुओं में एक ही हैं सब, कोई भेदभाव नहीं हमारे बीच में बस। इस इलाके के अंदर एच ब्लॉक में मौजूद है, ये कौन सी गली है? एच थ्री। ये H3 गली है और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि हमने हिंदू महिलाओं से भी बात की और मुस्लिम महिलाओं से भी बात की, किसी तरह की कोई परेशानी इलाके में सब लोग? तो कोई भी परेशानी नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि सब एकता से रहें बस, प्यार से और दहशत एकदम बढ़ी हुई है, हर त्योहार में दहशत फैला दिया। हाँ। और तो परेशानी कोई नहीं है। यहाँ पर दोनों ही समुदाय की महिलाओं से हमने बात की, उनका ये कहना है कि एक साल में काफी बदलाव आया है यहाँ पर, और अब दोबारा मैं आपको एक बार तस्वीरें यहाँ की दिखाना चाहूंगा। दुकानें हालांकि इस इलाके में खुली हुई हैं और छतों पर पुलिस तैनात है, फोर्स यहाँ पर बहुत ज्यादा है, लेकिन कुछ इलाके के लोगों से हमारी बात हुई, जो महिलाएं जो यहाँ की रहने वाली हैं, उनका ये कहना है कि पुलिस की डिप्लॉयमेंट यहाँ पर जरूरी है। और जहां तक आपने बात की थी कि क्या पुलिस को कुछ इनपुट मिल रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि जहांगीरपुरी इलाका वो इलाका है जहां पर पिछले एक साल के अंदर पुलिस को तमाम तरह के इनपुट्स मिले हैं। जो पिछले साल यहां पर दंगे हुए थे, उन दंगों में कई ऐसी गिरफ्तारियां हुई थी जो कि पेशेवर अपराधी थे, उनके ऊपर कई मुकदमे थे, और कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने बाकायदा प्रायोजित तरीके से बोतलें खरीदी थी कबाड़ी की दुकान से ताकि हमला किया जा सके, और उसको लेकर ऐसी स्थिति इस बार यहां पर ना हो। तो मैं आपको अब तस्वीरें दिखा रहा हूं, आप डिप्लॉयमेंट देख सकते हैं, ये पूरे जहांगीरपुरी में आपको इसी तरीके का डिप्लॉयमेंट मिलेगा, और उसकी वजह यही है कि पिछले साल की तरह किसी भी तरह का कोई बिल्कुल अभी तो लगातार आप तस्वीरें वहां से दिखा रहे हैं, जिस तरीके से पिछली बार भी पुलिस की वहां पर हालांकि तैनाती थी, लेकिन पिछली बार दंगा वहां पर हो गया था, और इसी यही वजह है कि पुलिस इस बार फूंक फूंक कर कदम रख रही है, और पुलिस ने पूरे पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।